नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज और मैं हूं आकाश द्विवेदी। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज क्षेत्र में हिंदू नेता रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद जहां योगी सरकार पर भी करारा हमला शुरू हो गया था, तो वहीं राजधानी लखनऊ की पुलिसिंग पर भी एक बड़ा सवालिया निशान उभर कर सामने आया। लेकिन अब हिंदू नेता रंजीत बच्चन की हत्याकांड का खुलासा लखनऊ पुलिस ने कर दिया है और इस खुलासे में यह बताया गया है कि रंजीत बच्चन की पहली पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आखिरकार पुलिस ने विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की हत्या का खुलासा कर ही दिया है। इस मामले में कत्ल की साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि रंजीत की दूसरी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड का हाथ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्मृति रंजीत की दूसरी पत्नी है। इन दोनों के बीच तलाक का मामला सुलझ नहीं रहा था। स्मृति इस बात से परेशान चल रही थी। इसी दौरान उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को रच डाला और अंजाम दे दिया। लखनऊ पुलिस इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रंजीत बच्चन की दूसरी पत्नी स्मृति उससे खासी परेशान थी। दोनों अलग हो चुके थे लेकिन उनके बीच तलाक का मामला कोर्ट में होने के बावजूद सुलझ नहीं रहा था। जबकि स्मृति किसी और से शादी करना चाहती थी लेकिन केस हल ना होने की वजह से वो शादी नहीं कर पा रही थी। तभी उसके दिमाग में इस खौफनाक साजिश ने जन्म लिया है और उसने रंजीत को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। इस काम में उसने अपने एक दोस्त को साथ मिलाया और इसी साजिश के तहत 1 फरवरी को बाइक सवार हमलावरों ने लखनऊ के हजरतगंज इलाके में ग्लोबल पार्क के पास रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी। तभी से पुलिस के लिए यह केस चुनौती बना हुआ था। पुलिस की कई टीमें इस मामले की छानबीन कर रही थी। इस चर्चित हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने खासी मशक्कत भी की। लखनऊ पुलिस ने 70 सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड खंगाले और उसने इन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम ताजातरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। धन्यवाद। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।